हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपके अपने शिवांगी किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं, जो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो उम्मीद करती हूं मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। आज का पहला टिप्स है दही को लेकर। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने दही ली हूँ, ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई है। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारी दही बिल्कुल भी पहले जैसा जैसे ताज़ा लगता है उस तरीके से हो जाए, तो उसी के लिए मैंने एक टिप्स बताने वाली हूँ। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कटोरी रख ली और उसमें दही है। अब हमें क्या करना है, पानी लेना है। आप इस तरीके से हाथों में रखते हुए इसके ऊपर डालिए। जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ना, दही हमारे पानी से ही खट्टा लगता है, तो जितना भी पानी होगा सारे दही के पानी इस तरीके से निकाल दीजिए। आप चाहे तो स्पून के मदद से भी इसके ऊपर डाल सकती हैं। तो इस तरीके से डालना है, जितना भी पानी इसमें का होगा सारा पानी निकल जाएगा। अब जब इस दही को खाएंगे तो बिल्कुल भी खट्टी नहीं लगेगी, जैसे अभी अभी हमने जमा के दही को खा रही हूँ उस तरीके का दही लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके का क्लिप वाला पैकेट को हम सभी नॉर्मली इसी तरह से पैक करते बंद करते हैं, लेकिन इस तरीके से अच्छे से बंद नहीं होती है। तो हम आपको छोटी सी टिप्स बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके का कोई भी फ्लैट सरफेस पर रख दीजिए और इस तरीके से हमें दबाना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से ना पैक हो जाता है। इसके अंदर कोई भी सामान रखेंगे, नमकीन वगैरह, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इतनी अच्छी से ना लॉक हो जाता है। ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की टिप्स है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कर सकती है। देखिए कितनी अच्छी से ना इसमें पैक हो गई है, तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। अगला टिप्स है इस तरीके के पैकेट को लेकर। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके के पैकेट जो होता है हम कितने जोर लगा के इसे ना फाड़ रहा है लेकिन नहीं फट रही है। तो हमें क्या करना है, इसे फाड़ने के लिए यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ दो सिक्का। तो इस तरीके से सिक्का ले लीजिए और एक सिक्के को अंदर से और एक सिक्के को ऊपर से रख के, और इस तरीके से हमें देखिए फ्रेंड फाड़ना है। बहुत ही अच्छे से ना फट जाती है। तो ये भी छोटा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम के टिप्स है। तो इस तरीके से हम ना फाड़ के सिक्के की मदद से कोई भी सामान को फाड़ के हम यूज कर सकते हैं। सीजर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला टिप्स है इस तरह के पेन को लेकर। तो फ्रेंड हमारे बच्चे के पेन ख़त्म हो जाता है तो नया लाते हैं और इस पुराने को हटा देते हैं। तो इसका मैं पेन के नए ढक्कन का यूज करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा सा आइडिया है, जीरो ऑफ कॉस्ट में बनने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, और इस तरह के जो क्लिप हमें किसी भी कपड़े में मिल जाता है तो इन दोनों को हमें ले लेना है। अब हम यहाँ पर मैंने नमक के पैकेट ली हूँ, इसे ना डब्बे में रखने के बाद थोड़े थोड़े दोनों बच गए थे। तो इसी का मैं ऑर्गेनाइज करके बताने वाली हूँ। हमें क्या होता है कि इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर से एक क्लिप खरीद के लाना पड़ता है महंगे महंगे। तो हम ना इस तरीके से घर के सामान से कोई भी घर में बेकार पड़े ढक्कन हो इसे ना हम इस तरीके से बना के यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से ना पैक हो जाती है। तो इस तरीके से हम घर में बेकार पड़े सामान से बहुत ही अच्छे से इस तरीके से ना पैक करके रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से जो बेसन का पैकेट था ये भी थोड़े से बच गए थे, तो इसे भी मैं ना इसी तरीके से जो कपड़े का पिन है इसे से मैं पैक कर दी हूँ। इस तरीके से ना बहुत ही अच्छे से पैक हो जाती है। तो जीरो कॉस्ट में बनने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप ट्राई कर सकती हैं। अगला टिप्स है इस तरह के पेटीकोट के डोरी को लेकर। तो फ्रेंड पेटीकोट हम सभी महिलाएं पहनते हैं और हम सभी के साथ एक दिक्कत आती है, जब भी इसे पहनते हैं ना तो इसका डोरी अंदर की तरफ चला जाता है और इसे ना हमें फिर से निकाल के और दोबारा से डालना पड़ता है। तो उसके लिए ना मैं आपको बहुत ही प्यारा सा आइडिया बताने वाली हूँ। फ्रेंड आप पेटीकोट हो या सलवार किसी का भी डोरी हो, आप इस तरीके से ना कर सकती है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो डोरी है बराबर कर लेना है इस तरीके से, और इस पेटीकोट के एक साइड इसके यहाँ पे सेंटर है वहाँ पे हमें जो डोरी है आप मार्क लगा लीजिए और सिलाई कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई मशीन भी चला सकती हैं। इस तरीके से लंबे हमें सिल देना है। तो फ्रेंड आप इस तरीके का जो किसी भी कपड़े में इस तरीके का डोरी है लगता है आपको कि इसे खींचने पर अंदर की तरफ चला जाएगा, तो आप इस तरीके से ना सिलाई कर सकती है। बहुत ही अच्छे से सिलाई हो जाती है। तो आपको ना मैं सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर देना है, बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाती है। अब देखिए इसे कितना भी हम खींचेंगे ना तो ये जहाँ पे टक हुआ है वहाँ से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से ना आप ट्राई कर सकती है, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अगला टिप्स है इस तरह के नीडल को लेकर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास इस तरह के सुई और इसका जो एक लेयर ऊपर से रहता है घुमाने वाला वो टूट गया है। तो मैंने एक बार तो इसे सोचा कि इसमें इसकी जो जितने भी सुई है एक ही साथ रख दूँ, तो इस तरीके से रख दी। अब ये घूम नहीं रहा है तो इसे हम क्या करें, कैसे निकालें। तो देखिए फ्रेंड, इसे मैं ना निकालती हूँ तो इसे बहुत ही कोशिश करने पर भी नहीं निकल रही थी। तो इसे ना निकालने के लिए मैंने एक बड़ी वाली सुई ली हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सुई ले ली हूँ और हमें क्या करना है, इसी से मैंने थोड़ी सी
इस के कवर को हटा के और जितने भी इसके अंदर सुई है उसे मैं ना इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से इसके अंदर का सुई सारे निकल गई है। अब ना इसे हम रखने वाले हैं, अब इन सुई को मैं इस डिब्बे के अंदर रखने वाली हूँ। तो ये जो पेंसिल आता है सिक्के वाली, उसी का खाली डिब्बा पड़ा था तो इसी के अंदर मैंने डाल दूँगी। फ्रेंड हम सभी के घर में ना सुई होते हैं, अगर सिलाई करती है तो सिलाई वाली सुई, हाथ वाली सुई, हर तरह के सुई हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको रखने के लिए भी आप इस तरह के खाली डिब्बी हो आपके पास तो उसमें ना बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, रख दीजिए और कहीं पर भी एक कोने में रख सकते हैं और निकालना भी बहुत ही आसान है। आपको जिस भी तरह का सुई चाहिए होगी उस तरह के सुई ना आप आराम से निकाल सकती है। देखिए फ्रेंड निकालना और रखना बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से आप रख के यूज कर सकती है और कहीं पे एक कोने में भी रख सकते हैं। अगला टिप्स है इस तरह के कांच के लीड को लेकर है। तो फ्रेंड देखिए जो ढक्कन है ना इसका हैंडल, बार बार जब भी हम सब्जी वगैरह कुछ भी ढक के बनाते थे तो हमारे हाथों में आ जाता था, बहुत ही ज़्यादा इसका नट ना ढीला हो गया था। तो इसी को मैंने टाइट करने वाली हूँ तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। हम सभी के साथ भी ये कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, हम सभी के घरों में इस तरह के ढक्कन होते ही हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे टाइट करने के लिए फेविकॉल ली हूँ। तो इस तरीके से फेविकॉल ले लीजिए और ये जो नट है इसमें ना हमें फेविकॉल को अच्छी से इसके ऊपर कोटिंग करना है, अच्छी से लगा देना है। देखिए फ्रेंड इस तरीके से ना हमें इसके ऊपर लगा देना है, चारों तरफ बराबर करके आप लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से लगाना है और ये जो धागा है इस धागे को इसके ऊपर ना हमें लगाना है ताकि ये जो नट है मोटा हो जाए। तो इस तरीके से ना इसके ऊपर हमें देखिए फ्रेंड लपेटना है। आप अपने हिसाब से इसे ना इसके ऊपर लगा सकती है, लपेट सकती है, जितना आपके जो नट ढीला हो गया है उस हिसाब से इसके ऊपर लगा सकती है। तो देखिए इसे ना मैं इस तरीके से लपेट देती हूँ, अब उसके बाद इसे तोड़ देती हूँ। देखिए इसे ना हो गई है इस तरीके से, अब उसके बाद ना इसे तोड़ देती हूँ। देखिए फ्रेंड इतना मोटा हो गया है, अब आपको मैं कस के दिखाती हूँ कसने के बाद ये जो लीड है टाइट होती है कि नहीं। अगर आपके साथ भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी नट हो, किसी भी बर्तन का इस तरह के नट होते हैं ढीला हो गई है, तो इस तरीके से ना आप भी टाइट कर सकती है। तो फ्रेंड देखिए इसे ना अच्छी से मैं कस देती हूँ, कसने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमारा लीड है अच्छी से टाइट हुआ है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छी से ना टाइट हो गई है। आपको देखिए इतना मैं हिला रही हूँ, इसे झोर रही हूँ, फिर भी ये निकल नहीं रही, जबकि बहुत ही ज़्यादा। अगला टिप्स है गैस स्टोव के पैन सपोर्ट को लेकर। इस तरह के जो पैन सपोर्ट होते हैं हम सभी के घर में मिल जाते हैं, जब भी ख़राब हो जाते हैं तो इसे हटा देते हैं। तो इसका यूज हम करने वाले हैं, इसका यूज किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डोरी ली हूँ, मैंने यहाँ पे चार डोरी ली हूँ और ये जो चारों ये जो सपोर्टर है इसमें मैंने लगा दूँगी। इस तरीके से फंसा देना है, बनाना बहुत ही आसान और ईजी है। तो इस तरीके से ना आप बहुत ही ईजी तरीके से बना के इसे ना रख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गांठे लगा के इन चारों में फंसा देती हूँ। आप अपने हिसाब से इसे ना इस तरीके से जितने भी लंबा रखना है उस तरीके से बना लीजिए और यहाँ पे एक और गांठ लगा देना है नीचे। तो इस तरीके से ना आप अपने लंबाई के हिसाब से इसमें गांठे लगा दीजिए। इस तरीके से मैंने चारों डोरी को नापते हुए यहाँ पे मैंने गांठ लगा दूंगी। या जो दूसरा रखी हुई इसे भी इसी तरीके से मैंने फंसा दूँगी बना के। तो देखिए इस तरीके से इसे हम ना उल्टा कर देंगे। देखिए इसको ना ये जो मैंने पेन सपोर्टर को बनाई उसे इस तरीके उल्टा कर देंगे और ये दूसरा वाला पेन सपोर्टर इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। जितने भी गांठे लगाई हूँ इसे इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से, और बहुत ही सुंदर सा हमारा इसे ना इस तरह का ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ तो इसे ना सिकहर बोला जाता है, आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से बना लेना है, बहुत ही आसान बनाना है और इजी तरीके से बन भी जाता है। आप इसमें ना कुछ भी इसके ऊपर रख सकती है, सब्जी, मीट, मछली, दूध, दही, जो भी आपको रखना हो उसे रख सकती है। इसमें ना हम यहाँ पे कांठे लगा देती हूँ ताकि इसे हम कहीं पे हैंग कर सके। तो इस तरीके से ना बना लेना है, जब भी कोई भी आपका पैन सपोर्ट ख़राब हो जाए तो इसे आप इस तरीके से रीयूज कर सकती हैं। तो देखिए आपको मैं ना इसे यूज करके भी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना रखने वाली हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ना दूध रखती हूँ और उसके ऊपर सब्जी रख देती हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी रख के इसे कहीं पे इसे हैंग कर दीजिए और इसमें ना कुछ भी इसके ऊपर रख के यूज कर सकती है। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहे उसे रखने के लिए बना सकती हैं।